आज हम NCERT चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि हमारे कपड़े कैसे बनते हैं। हमारे कपड़े तागे से बनते हैं और तागे तंतुओं से बने होते हैं। क्रिया स्वरूप में हम देखेंगे कि सबसे पहले तंतु का निर्माण होता है, फिर हम लोग तंतु से तागे का निर्माण करते हैं, उसके बाद तागे से हम लोग कपड़े बनाते हैं। अगर तंतु अच्छे किस्म के होंगे तो रेशम अच्छे बनेंगे, तो हमारे कपड़े उचित व टिकाऊ बनते हैं। अब हम देखेंगे तंतु कहाँ पाया जाता है। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, ऊनी और रेशमी के तंतु पादकों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब हमें तंतु पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखेंगे किस चीज से कौन से तंतु प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आता है रुई तथा जूट, पादकों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम जो कीट से खींचा जाता है, कीट से मतलब कीड़े मकोड़े से पाया जाता है। हजारों वर्ष पहले वस्त्र सिर्फ प्राकृतिक तंतुओं से ही उपयोग होता था, परंतु अब वस्त्र निर्माण के लिए पेड़ पौधे तथा जानवरों के साथ साथ रासायनिक पादकों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे नायलोन, प्लास्टिक इत्यादि। अब हम कपास के बारे में जानेंगे। कपास क्या है और किसे कहते हैं। साधारण कपास, कपास बॉल से हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी प्रक्रिया को कपास उठना कहते हैं, परंतु आजकल कपास आटने के लिए मशीन का उपयोग भी किया जाता है। इसी को गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। कपास की खेती गर्म क्षेत्रों में की जाती है। भारत में कपास की खेती गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में की जाती है। कपास के फल को कपास गोलक कहते हैं। अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट पटसन पादक के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में प्रमुख रूप से जूट की खेती बिहार, बंगाल और असम में किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे जूट कैसे बनते हैं। पटसन के फसल को पुष्प अवस्था में ही काटते हैं। फसल काटने के बाद पटसन को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। उसके बाद उसे आसानी से हाथों के मदद से जूट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कताई, किसे कहते हैं। तंतुओं से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। गांधी जी ने 1956 में देशवासियों से यह अपील की थी कि हाथ से बने कपड़े पहने और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें। अब हम आगे देखेंगे कि तागे से वस्त्र बनाने के नियम क्या है। तो तागे से वस्त्र बनाने के दो मुख्य प्रक्रिया है। पहला बंधाई, दूसरा बुनाई। बंधाई का मतलब है बंधाई में धागे के दो सेट को क्रम के साथ लगाकर कपड़ा बनाते हैं तथा बुनाई में धागे के एक सेट का उपयोग कर कपड़ा बनाते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।